वेलकम टू एसएससी मेकर। आज 26 मार्च 2021 और 26 मार्च से करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आप लोग को बताऊंगी। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा। लास्ट में मैं क्वेश्चन भी पूछूंगी जिसका आंसर आप लोग को कहाँ पर, जिसका आंसर आप लोग को कॉमेंट बॉक्स में लिखना है। आई होप सभी करेक्ट आंसर लिखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो के साथ। सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं कि भाई जैसा कि आप सभी को पता है हमारी पूरी टीम ने एक स्पेशल ई बुक को लॉन्च किया है जिसमें 1500 से ज़्यादा क्वेश्चंस का कंपाइलेशन है। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पर बात करें साइंस की तो साइंस के इसमें 20 सेट दिए हुए हैं। जनरल अवेयरनेस की अगर हम लोग बात करें तो जनरल अवेयरनेस के भी 20 सेट हैं। जीएस वन लाइनर के सेट की बात करें तो जीएस वन लाइनर के 25 सेट है। साथ में मैं आप लोग को बताऊँ मैथ्स और रीजनिंग का, तो मैथ्स और रीजनिंग के 110 और 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट साथ में मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस का कंपाइलेशन दिया हुआ है जो आप जो भी आपके सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे आपका ग्रुप डी का एग्जाम है, चाहे वन डे एग्जाम कोई भी है, सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आई होप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे ये परचेज करेंगे। चलिए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो पर किन भारतीय पर्वतारोहियों ने 24 घंटे रुककर रिकॉर्ड बनाया। तो भाई करेक्ट आंसर अगर मैं आप लोग को बताऊं, रोहताश खिलेरी और अनु यादव। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, रोहताश खिलेरी और अनु यादव। ठीक है, 24 घंटे रुककर रिकॉर्ड बनाया कहां पर, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी, किलिमंजारो। ठीक है, अगर मैं आपको यहाँ पर आप लोग को बताऊं पर्वत आरोही रोहताश जो हैं वो हिसार के गांव मल्लापुर के निवासी हैं और पर्वत आरोही अनु यादव जो हैं वो फतेहाबाद की बुवान गांव की रहने वाली हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है रोहताश और अनु। चलिए मूव करते हैं आज के अगले प्रश्न की साइड, लेकिन उससे पहले ये मैप देख लीजिए कि भाई ये मैप है। ठीक है, अफ्रीका के तंजानिया में आता है ये जो माउंटेन है। चलिए मूव करते हैं आज के अगले प्रश्न की साइड, लेकिन उससे पहले आज के वीडियो के लाइक के टारगेट की हम लोग अगर बात करें तो आज के वीडियो के लाइक का टारगेट क्या है, 2500 प्लस लाइक्स। आई होप ये टारगेट सभी ज़्यादा से ज़्यादा अचीव करने का ट्राई करेंगे। चलिए मूव करते हैं आज के अगले प्रश्न की साइड। अगला प्रश्न क्या कहता है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जल संसाधन के क्षेत्र में भारत और किस देश के बीच हुए सहयोग ज्ञापन को 23 मार्च को मंजूरी प्रदान कर दी। तो भाई करेक्ट आंसर जापान। जी हाँ, जापान इसका करेक्ट आंसर बन जाता है। ठीक है, तो जापान के बारे में अगर मैं आप लोग को बताऊँ, इस कंट्री के बारे में, बहुत ही ज़्यादा अच्छी कंट्री है, बहुत ही ज़्यादा पीसफुल कंट्री है और हमारी कंट्री के साथ में भी जापान के बहुत सारे MOU, बहुत सारे एग्रीमेंट साइन होते हैं और जो कि बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से वर्क भी करते हैं क्योंकि बहुत पीसफुल कंट्री है, दैट्स वाई। चलिए अगर मैं आप लोग को बताऊँ इस क्वेश्चन के बारे में, तो हाल फिलहाल में 23 मार्च को मंजूरी प्रदान की एक सहयोग ज्ञापन पर, ठीक है, जिसका लक्ष्य क्या है, जिसका लक्ष्य है जल और डेल्टा प्रबंधन तथा जल प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दीर्घकालिक सहयोग को विकसित करना। ठीक है, इससे जल सुरक्षा, बेहतर सिंचाई सुविधा और जल संसाधन विकास में स्थायित्व का लक्ष्य हासिल करने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाता है, इसका करेक्ट आंसर है जापान। चलिए मूव करते हैं आज के अगले प्रश्न की साइड। अगला प्रश्न क्या कहता है, किस राज्य में एथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति 2021 का शुभारंभ किया गया। तो भाई करेक्ट आंसर क्या है, इसका करेक्ट आंसर है बिहार। जी हाँ, बिहार ने इथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति 2021 का शुभारंभ किया हाल फिलहाल में। ठीक है, अगर मैं आप लोग को बताऊं, राज्य कैबिनेट के द्वारा नीति को इस मंजूरी दिए जाने के बाद में बिहार जैव ईंधन 2018 की राष्ट्रीय नीति के तहत एथेनॉल संवर्धन नीति लागू करने वाला भारत का ऐसा पहला राज्य बन चुका। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, पहला राज्य कौन सा बना था 2018 में, तो भारत का पहला राज्य बना था 2018 में। चलिए मूव करते हैं आज के अगले प्रश्न की साइड। ये देख लीजिए मैप आप लोग। ठीक है, उत्तर प्रदेश, नेपाल, झारखंड और वेस्ट बंगाल, ये इसके बाउंड्री स्टेट्स और बाउंड्री कंट्रीज हैं। चलिए मूव करते हैं आज के अगले प्रश्न की साइड। अगला प्रश्न क्या कहता है, नागरिक विमानन महानिदेशालय कार्यालय ने सभी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को कितने तारीख तक रद्द करने की घोषणा करी। तो भाई करेक्ट आंसर मैं अगर आप लोग को बताऊँ, 30 अप्रैल, 30th of April। जी हाँ, फाइनली 30 अप्रैल तक रद्द कर दिया गया है। अगर हम लोग यहाँ पर बात करें, नागरिक विमानन महानिदेशालय कार्यालय ने 23 मार्च से सभी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को 30 अप्रैल तक रद्द करने की घोषणा दी है। अगर मैं आप लोग को बताऊँ, DGCA मतलब
नागरिक विमानन महानिदेशालय कार्यालय ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय उड़ान परिचालन पर लगे प्रतिबंध की अवधि को बढ़ाकर 30 अप्रैल 2021 तक कर दिया। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 30 अप्रैल। चलिए मूव करते हैं आज के अगले प्रश्न की साइड। अगला प्रश्न क्या कहता है, रूस ने 18 देशों के कितने उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया? तो भाई करेक्ट आंसर अगर मैं आप लोग को बताऊं 38। जी हाँ, ये अच्छे से याद रखिएगा, डिफेंस से रिलेटेड क्वेश्चन अक्सर देखने को मिलते हैं आपके कोई से भी एग्जाम्स में। चलिए अगर मैं आप लोग को बताऊं यहाँ पर, रूस ने हाल फिलहाल में 18 देशों के 38 उपग्रहों को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। साथ में मैं आपको बताऊं 38 उपग्रह दक्षिण कोरिया, जापान, कैनेडा, सऊदी अरब, जर्मनी, इटली और ब्राज़ील के साथ में 18 देशों के थे। तो मेन मेन कंट्रीज के नाम मैं बता देती हूँ, अगेन बता देती हूँ, दक्षिण कोरिया, जापान, कैनेडा, सऊदी अरब, जर्मनी, इटली और ब्राज़ील। ठीक है, इनको मिलाकर के 18 देश थे टोटल। साथ में इन उपग्रहों में से एक चैलेंज वन नामक उपग्रह पूरी तरह से ट्यूनीशिया एक छोटी सी कंट्री है, तो ट्यूनीशिया ने एक बनाया कौन सा चैलेंज वन के नाम से एक उपग्रह पूरी तरह से। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है 38, रूस का आप लोग, रशिया का आप लोग यहाँ पर मैप लोग देख पा रहे हो। चलिए मूव करते हैं आज के अगले प्रश्न की साइड। फिच रेटिंग्स, जी हाँ, फिच रेटिंग्स ने अगले वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत की वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया? तो भाई करेक्ट आंसर है इसका 12.8%। 12.8% इसका करेक्ट आंसर बन जाता है। अगर मैं आप लोग को बताऊं, फिच रेटिंग्स ने अगले वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत की वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर 12.88% कर दिया। पहले रेटिंग एजेंसी ने अगले वित्त वर्ष की वृद्धि 11% रहने का अनुमान लगाया था, लेकिन अब ऐसा कहा कि भैया कैलेंडर साल की दूसरी तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था लॉकडाउन की वजह से मंदी में चली गई वापस से। ठीक है, और लेकिन उसके बाद यह है हमारे अनुमान से अधिक तेजी से उभरी है। मतलब क्या कह रहा है, देखो भाई 2020 में लॉकडाउन लगा था, पूरे कंट्री में, या फिर आप लोग कह सकते हो पूरे वर्ल्ड में, हर जगह लॉकडाउन था, लॉकडाउन की सिचुएशन थी 2019 के लास्ट से लेकर के स्टिल अभी तक की सिचुएशन ऐसी बहुत ज़्यादा खतरनाक वाली सिचुएशन है, बहुत ज़्यादा क्राइसिस वाली सिचुएशन है, स्पेशली दो तीन चीज़ों को लेकर के, किस किस को, इकॉनमी को लेकर। ठीक है, टूरिज्म सेक्टर, वो भी इकॉनमी से अल्टीमेटली लिंक्ड है, साथ में जॉब्स, एम्प्लॉयमेंट, इन सब चीज़ों के वजह से बहुत सारी चीज़ों में लॉस देखने को मिला। तो अल्टीमेटली 2020 में इकॉनमी गिरेगी ही गिरेगी, लेकिन उसके बाद में अब चीज़ें धीरे धीरे जैसे थोड़ी थोड़ी ट्रैक पर आ रही हैं, तो उस वजह से देखा जा रहा है भारत जितनी तेजी से उभर रहा है उतनी तेजी से शायद ही कोई और कंट्री उभर रही है, तो इसीलिए ये सारी चीजें देखने को ज्यादा मिल रही हैं। चलिए मूव करते हैं आज के अगले प्रश्न की साइड। अगला प्रश्न क्या कहता है, भारत और किस देश के मध्य स्थायी सिंधु आयोग मतलब परमानेंट इंडस कमीशन की 116वीं बैठक नई दिल्ली में संपन्न हुई? तो भाई करेक्ट आंसर आप लोग को पता होना चाहिए, यहाँ पर बात हुई है इंडस। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पाकिस्तान। जी हाँ, पाकिस्तान। फाइनली भारत और पाकिस्तान के मध्य स्थायी सिंधु आयोग मतलब परमानेंट इंडस कमीशन की 116वीं बैठक कहाँ पर, नई दिल्ली में कंप्लीट हो चुकी। ठीक है, अगर मैं आप लोग को बताऊँ, ये भारत और पाकिस्तान के अधिकारियों का एक द्विपक्षीय आयोग है जिसमें सिंधु जल संधि 1960 में जो हुई थी उसके कार्यान्वयन और लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु बनाया गया था। ठीक है, सिंधु जल संधि के अकॉर्डिंग अगर मैं बताऊं तो आयोग वर्ष में कम से कम एक बार नियमित तौर पर भारत और पाकिस्तान की बैठक करेगा, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, पाकिस्तान। चलिए मूव करते हैं आज के अगले प्रश्न की साइड। अगला प्रश्न क्या कहता है, विश्व रंगमंच दिवस मतलब वर्ल्ड थिएटर डे, जी हाँ, किस दिन मनाया जाता है? तो भाई ये मनाया जाता है 27 मार्च। मार्च में बहुत सारे दिन सेलिब्रेट किए जाते हैं, आपको पता होना चाहिए। मैं कोशिश करती हूँ डेज से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन मिस ना हो, क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन होता है, अच्छे तरीके से आप लोग याद कर सकते हैं। चलिए, विश्व रंगमंच दिवस मतलब वर्ल्ड थिएटर डे
हर साल 27 मार्च को मनाया जाता है पूरे विश्व में, ठीक है। 1961 में इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट ने इस दिन की स्थापना करी थी और हर साल दुनिया भर में इस दिन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय थिएटर समारोह भी होते हैं। क्यों होते हैं? इम्पोर्टेंस बताने के लिए थिएटर की। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की साइड। अगर हम लोग यहाँ पर बात करें क्विक रिवीजन की कल के वीडियो के, तो सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं 2021 विश्व जल दिवस का जो विषय रहा है वो रहा है वैल्यूइंग वाटर, ठीक है। साथ में मैं आप लोग को बताऊं विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च को मनाया जाता है, बहुत अच्छी बात है। वर्ल्ड टीबी डे 24 मार्च को मनाया जाता है, बहुत अच्छी बात है। आंध्र प्रदेश ने पीड़ित जानवरों को पशु स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने हेतु भारत का पहला एम्बुलेंस नेटवर्क स्थापित करने की घोषणा करी आंध्र ने, ठीक है, बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। अगर मैं आप लोग को बताऊँ भारतीय महिला क्रिकेट टीम की शेफाली वर्मा ने ICC T20 क्रिकेट में नंबर 1 बल्लेबाज की रैंकिंग हासिल कर ली। तो ये हमने देखा फटाफट से क्विक रिवीजन। अगर हम लोग यहाँ पर बात करें कल के प्रश्न की, तो कल का प्रश्न था आप लोगों का द ग्रुप अरेबियन सी वॉरफेयर एक्सरसाइज में अमेरिका के अलावा कौन सा देश भाग लेगा। तो भाई करेक्ट आंसर है यह सभी जापान फ्रांस बेल्जियम। चलिए बहुत सारे बच्चों ने करेक्ट आंसर लिखा था, मैं उन सभी का थैंक्स करना चाहती हूँ और उम्मीद करती हूँ आज भी सभी बच्चे करेक्ट आंसर लिखेंगे। अगर हम लोग यहाँ पर बात करें आज के प्रश्न की, तो आज का प्रश्न क्या कहता है RBI ने फेड बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड मुंबई पर कितने लाख रुपए का जुर्माना लगाया। तो भाई ये 4 ऑप्शन है, इनमें से एक ऑप्शन करेक्ट है। आई होप सभी करेक्ट आंसर लिखेंगे और हाँ वीडियो के लाइक का टारगेट अचीव करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो के लाइक का टारगेट क्या है 2500 प्लस लाइक्स। आई होप ये टारगेट सभी ज़्यादा से ज़्यादा अचीव करने का ट्राई करेंगे। और अगर आपने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया तो क्या करना है आपको फटाफट से शेयर कर देना है, ठीक है। और अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया, तो भाई वेट मत करो, जल्दी से जल्दी बेल आइकॉन भी प्रेस कर दो, साथ में सब्सक्राइब भी कर दो, जिससे सारे नोटिफिकेशन भी टाइम टू टाइम पर आप लोग को मिलते जाएं। आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे, बाय बाय एंड टेक केयर।